नमस्कार, सारे राजाओं को राजा बनना है। चलें इसी मुहिम के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में मैं कुछ अपनी केस स्टडीज के बारे में शेयर करूंगा, जिसे मैं कोरिलेट करूंगा देवताओं के साथ और मैंने कैसे रिजल्ट्स मैनिफेस्ट किए उसकी डिटेल्स मैं दूंगा। इसके अलावा दिवाली के छोटे छोटे टिप्स जिससे आपकी दिवाली सुखमय रहे, कुशल मंगल में रहे और बहुत सारा गेन हो नेक्स्ट ईयर। तो जुड़े रहिए, जमे रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। राजा बनना है तन मन धन से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कुछ समय पहले एक सज्जन ने मुझे अप्रोच किया था। उनका कहना था, ये एक छोटी सी केस स्टडी है जो मैं शेयर कर रहा हूं और को रिलेट कर रहा हूं इसे देवता या एनर्जी फील्ड्स के साथ। तो उन्होंने कॉल किया कि मेरी जॉब तो है, पर बात क्या होती है कि जब भी मैं कोई चीज अच्छी करता हूं अपनी लाइफ में या अपने एनवायरमेंट के लिए या अपने ऑफिस के लिए, मुझे उसका कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैप शेयर कीजिए। उन्होंने मैप शेयर किया, हमने उस ग्रेडेड मैप को देखा। छोटी सी एक एरर था जिसके वजह से ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे। आज उसी एरर को लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसे एरर कह रहा हूँ या टेक्निकल वर्ड्स कह रहा हूँ, हालांकि उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि उनका बॉस उन्हें अप्रिशिएट ही नहीं करता था। मेरे लिए एक छोटा सा टेक्निकल एरर था जो उनके फ्लोर में उस जगह पे नहीं हो पा रहा था। जब भी कोई ऐसी बात करता है कि मुझे कोई एप्रिशिएट नहीं करता, आपका तुरंत ध्यान साउथ की दिशा की तरफ जाना चाहिए। ये एक छोटे से की पॉइंट्स हैं जो आप नोट करके रखिए हमेशा। इसके अलावा भी जैसे ही कोई सज्जन किसी की आंखों में हाईलाइट होता है ना, कोई व्यक्ति किसी दूसरे सज्जन की आंखों में हाईलाइट होता है तो वो विवासवान का इंटरकनेक्शन की वजह से ही होता है। तो यही बात कि जब मैंने उस एरिया पे देखा कि विवासवान की एनर्जी फील्ड के ऊपर क्या आ रखा है, तो उन्होंने वहां पर एक वॉशरूम बनाया हुआ था। कुछ घर होते हैं जो लंबे रहते हैं और बीच में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी आ सकती है, जैसे बेडरूम आखिरी में है तो बीच में वॉशरूम आ सकता है। ऐसे कुछ केसेस में आप भी जब देखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स वो फेस करते ही करते हैं। तो मैंने उनको वापस से फोन लगाया। जब मैंने वहां वो आइडेंटिफाई किया तो मैंने उनको वापस से फोन लगाया और उन्हीं की भाषा में ये समझने की कोशिश कर रहा था कि होता क्या है। तो उन्होंने कहा मैं सारा काम कर देता हूं। कौन? मेरी क्लाइंट ने मुझे कहा, उस सज्जन ने मुझे कहा कि मैं सारा काम तो वैसे बॉस के लिए कर देता हूं, पर आखिरी मोमेंट में जैसे ही मेरा नाम आना चाहिए वहां किसी और का नाम आ जाता है। तो मेरे को एक छोटा सा अपने मस्तिष्क के अंदर ये बातें घूमते रहती है कि कोई और आके हीरो बन जाता है, ऐसा बोलते हो क्या? तो ऐसे ही मुझे लगा कि कोई और आके इनका काम किया हुआ का हीरो बन जाता है, या मान के चलिए विवासवान वो एनर्जी फील्ड है जो इंसान को हीरो बनाती है। छोटी सी बात है, हीरो बनाती है या उसको हाईलाइट करवाती है, उसके काम को हाईलाइट करती है एक एनवायरनमेंट के अंदर। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप विवासवान के डिप्स लगवा लीजिए और विद इन हफ्ते भर या डेढ़ हफ्ते बाद आप मुझे इसके बारे में बताइएगा। तो जैसा मैंने सोचा था और जिस तरीके की उनकी भाषा थी, उसी भाषा को इंटरकनेक्ट करते ही जैसे ही हमने विवासवान के डिप्स लगाए, उनके हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर उनके बॉस ने खुद बुला के उन्हें कोई प्रोजेक्ट दिया। उस प्रोजेक्ट को देने के बाद उसे ट्रेनिंग के लिए भी भेजा, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। घर पे मिठाइयों के डब्बे भी उन्होंने भिजवाए। ये उनका एक अपने किसी व्यक्ति के प्रति प्यार था मेरे प्रति, तो उन्होंने अपना एक रिगार्ड दिया। अभी इस केस में हुआ क्या कि अगर हमें हाईलाइट होना है किसी भी एनवायरनमेंट में, तो हाईलाइट कौन करेगा? विवासवान। उसको आप सेकंड तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं, है ना, जिसको एप्रिशिएशन मिलना चाहिए, पर दूसरा आके उस एप्रिशिएशन को खुद ले लेता है, तो हुआ क्या, उस एनवायरनमेंट का हीरो कोई और बन गया। तो कहीं ना कहीं उसका विवासवान ओके होगा, इनके विवासवान की हैम्परिंग होगी, तभी वो चढ़ पाया। तो इसको भी जैसे ही हमने कनेक्ट किया, करेक्ट किया, और करेक्ट कैसे, डिप्स के माध्यम से, देवमनियों के माध्यम से जब मैंने करेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट बैलेंस हुआ और उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको विद इन 15-20 डेज मिल गया, क्योंकि वो करते थे वहां पर पूरा काम। अब चलिए इसी को लेके आज साउदर्न पार्ट की तरफ से एक देवता को मैंने क्लियर किया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ। वैसे ही अब नॉर्दर्न पार्ट के एक देवता को और करेक्ट करते हैं, जिसको कहते हैं बुध।
कुछ समय पहले एक परिवार का फोन आया था। यहाँ मुझे एक परिवार का फोन आया था। मैं कभी भी जब भी फोन लेता हूँ या किसी क्लाइंट को लेता हूँ तो या तो वो वर्किंग है तब तो हम उसी से ही बात करते हैं, और अगर उसके बिहाफ में कोई बात कर रहा है तो मैं कहता हूँ कि आप दोनों मिलके बात कीजिए। तो इन्होंने मुझे कॉल किया, उनकी वाइफ ने, कि ये ऑफिस जाना बंद कर दिए। तो मैंने कहा ऑफिस जाने जैसी चीज को क्यों बंद कर दिए हैं, बात क्या हुई? तो उन्होंने कहा सो सो कुछ 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 उनके मनसिक में चल रहा है और वो कहीं ना कहीं इस बात को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और उनके परिवार की भी कुछ छोटी मोटी दिक्कतें थी उसको। तो मैंने कहा दीदी देखिए, अगर आप चाहते हैं मुझसे कंसल्टेंसी लेना तो आप उसे उनको भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए, ताकि मुझे उनकी मानसिकता जो आप रीड करके बता रहे हो क्या हकीकत में वो वहां पर है कि नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमने कहा था कि ऑफिस का मैप दीजिए, क्योंकि वो कह रहे थे वो ऑफिस जाना बंद कर दिए। कुछ समय बाद दोनों फैमिली मेंबर्स ने, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने अप्रोच किया। इसके बाद जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुझे बड़ी इच्छा तो होती है पर ऑफिस का ही एनवायरमेंट ऐसा है कि वहां जाने के बाद मुझे एकदम से वापस आने की इच्छा हो जाती है। तो जाते थे पर वापस आ जाते थे, फिर जा रहे थे फिर वापस आ रहे थे, फिर पता चला जाना ही बंद कर दिया ऐसा। तो इस तरीके की उनकी बातें थी जो मेरे दिमाग के अंदर घूम रही थी। उन्होंने काफी सारी डिटेल में और भी बताया। जब मैंने उनके ऑफिस का मैप देखा तो मैंने वहां आइडेंटिफाई किया कि बुधर की जगह पे अभी आपने नए फर्नीचर्स को इंस्टॉल कराया है। तो उन्होंने कहा यस, ये आपको कैसे पता चला? तो मेरा वही बात है जो हमारी रेगुलर एक्टिविटी को गवर्न करता है, कोई भी काम जो हम रेगुलरली करते हैं उसे जो गवर्न करता है वो है बुधर। लास्ट वीडियोज में भी मैंने इसको काफी बार एक्सप्लेन किया है। वो जील है ना, वो कनेक्शन जो बिजनेस को बढ़ाता है ना, वो सारा का सारा इंटरकनेक्ट होता है बुधर के साथ। वही रामलाल याद कर लेना, रामलाल किसी के लिए भाई है तो किसी के लिए बेटा भी तो है। तो ये जो ओवरऑल एक्टिविटी जो हम रेगुलर करते हैं, जो भी एक ऐसी एक्टिविटी जो हम जीवनी के लिए रेगुलरली करते हैं, वो हमें गवर्न करता है बुधर। और एंडोफेन लेवल्स भी जो है वो भी बुधर के साथ ही गवर्न करते हैं। देखिए दो तलों पे इसका काम होता है। मैंने, क्योंकि उन्होंने कहा मैं ऑफिस जा तो रहा था पर मैं वापस आ जाता था, तो मैंने इस केस में उनको एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग सजेस्ट किया। और उसके अलावा बुधर को जागृत करने के लिए वापस से रीस्टेट, क्योंकि उन्होंने फर्नीचर बना दिया था, एनर्जी तो थी पर वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, तो उन्होंने फर्नीचर बनाया था। तो मैंने बुधर के क्वाइंस भी उनको रिकमेंड किए। डालने का प्रोसीजर इससे पुराने वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और विद इन 15-20 डेज, मैं भी बार बार उसी बात को कहता हूं कि प्रयास तो दोनों ने करना है। उन्होंने भी प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया, 15-20 दिनों के अंदर उनको वापस से ऑफिस जाने की जील पैदा हो गई। क्योंकि बुधर ही एक ऐसा केमिकल है जो जैसे ही डाउन होता है इंसान का हर कार्य करने की जील खत्म हो जाती है। और क्योंकि उन्होंने कहा मुझे ऑफिस जाने की प्रॉब्लम हो रही है, या उनके यहां से भी जो फोन आया था वो ऑफिस से कोरिलेट था, इसलिए मैंने कहा कि जी आप बुधर ऑफिस में डलवाइए ना कि घर के अंदर डलवाइए। तो जैसे ही मैंने रीस्टेट किया वापस से, अगेन उनकी वापस से जील पैदा हो गई। जिनका ये सोच है कि हम नहीं डलवाना चाहते, उनके लिए एक छोटी सी टिप है। उनको अगर बुधर अपनी लाइफ में अपने केमिकल्स को एक्टिवेट करना है, कौन सा एक्टिवेट करना है, एंडोफिन जिसकी मैंने बात करी, अगर उसका लेवल गिर गया है और उनको कुछ भी करने का अब मन नहीं करता, तो उसके लिए बहुत छोटा सा है, एक खाना खाने के आधे घंटे बाद या तो वॉक पे चले जाइए, और वॉक मिनिमम साइट पे 45 मिनट्स to 1 आवर की होनी चाहिए, या सुबह उठने के बाद या जब भी आपको फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद 1 घंटे की एक वॉक ले लीजिए, या घर पे एक जॉगर लगा लीजिए और एक वॉक कर लीजिए। ये जो एंडोफिन लेवल है इसको वापस से बॉडी के अंदर लाने के लिए ये वॉक का भी टूल बहुत काम आता है। वॉक करना, कहीं चलना, जब भी हम बॉडी को एक सर्कुलेशन में डालते हैं आफ्टर 45 मिनट्स वो बॉडी के केमिकल रिलीज होते हैं जिसके वजह से हमें खुशियां मिलती है। और कौन से केमिकल्स, उसके लिए भी पुराने काफी सारे वीडियोस हैं, वो देख सकते हैं। चलिए अब इसी वीडियो में आगे कि कैसे दिवाली को बहुत अच्छा बनाएं और बहुत अच्छे से मजे से अगला साल बिताएं। तो छोटे से टिप्स हैं। एक टिप तो ये है कि जब भी आप दिवाली की पूजा करें तो लक्ष्मी जी की पूजा साउथ ईस्ट कॉर्नर पे होती है घर के हमेशा। और जब भी लक्ष्मी जी को विराजमान करते हैं, अगर साउथ ईस्ट पे विराजमान करते हैं, तो लाल वस्त्र में विराजमान कीजिए, बैकग्राउंड उनका व्हाइट ले लीजिए, लाल वस्त्र में और बैकग्राउंड व्हाइट, ऐसा कर लीजिए। इसके अलावा अगर पूजा हो जाती है और आप लोग
लक्ष्मी गणेश की अगर फोटो अपने घर पे लगाना चाहते हैं तो गणेश जी का सबसे उच्च स्थान है W5, वेस्ट पे W5 वरुण के ऊपर सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है गणेश जी का। और लक्ष्मी जी का घर के अंदर सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है W4 पुष्यदंत का। वरुण मैंने क्यों कहा और पुष्यदंत क्यों कहा आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसे और भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पर अभी क्योंकि एक छोटी सी टिप देनी थी तो मैंने दे दी। इसी तरीके के और छोटी छोटी बातें करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो कुछ मेंबरशिप कॉस्ट है, या 16 नवंबर को, या मान के चलिए अपकमिंग कोर्सेज भी हमारे अलग अलग शहरों में होते हैं तो दिल्ली और मुंबई इस तरीके के दो शहरों में होते हैं। 16 नवंबर को मुंबई में होने जा रहा है हमारा अपकमिंग कोर्स, तो चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं दिल्ली आ रहा हूं नवंबर में फर्स्ट वीक में, अगर आप चाहते हैं मुझसे मिलके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराना या अपने नक्शों पे मेरा गाइडेंस लेना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके या उस नंबर को कॉल करके आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। या किसी भी इंडिया के कोने पे मुझे बुलाना चाहते हैं, अपने घर पे बुलाना चाहते हैं, तो उसी नंबर पे कॉल करके मेरी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी अपनी भी राय बताइए कि आपको कैसा लगा ये अनुभव। एकदम जैसे छोटी छोटी बातों को क्लब करके मैंने इस वास्तु को और आगे लेके जाने की बात कर रहा हूं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं, राजा बनना है और वो भी तन मन धन से।